हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन आरसी एजुकेशन हब ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। आज अपन पढ़ने वाले इस टॉपिक में मृदा जीवांशु पदार्थ चैप्टर नंबर सेकंड है, उसी का नेक्स्ट वाला पार्ट है, उसको देखेंगे आज। जीवांश पदार्थ का संगठन क्या होता है, पिछले वाले क्लास में अपन ने इसकी बातें की थी, आपको याद है। जीवांशु पदार्थ हैं वो मोस्टली दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं, एक जंतु होते हैं, एक क्या होते हैं प्लांट होते हैं, उनसे इसको प्राप्त किया जाता है। आज अपन जो बात करने वाले जीवांश पदार्थ का संगठन क्या होता है, संगठन का मतलब किससे मिलकर के बने होते हैं। मोस्टली अगर बात करें जीवांश पदार्थ किससे मिलकर के बने होते हैं, तो संगठन की बात करें तो ये मुख्य रूप से दो घटक इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और ये घटक कौन कौन से हैं, आप सभी जानते हैं जीवांश पदार्थ जो होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं जीवांश पदार्थ, क्या होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसका मतलब इसमें कार्बनिक ही अधिक मात्रा में होता है, पर अकार्बनिक पदार्थ भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जीवांश पदार्थ के संगठन में मुख्य रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक दो घटक पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक दो घटक यहाँ पर पाए जाते हैं। कार्बनिक जो घटक होते हैं इनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, कार्बनिक घटक भी दो भागों में डिवाइड है। सबसे पहले बात करें ये किसके आधार पर डिवाइडेशन किया गया है, ये डिवाइडेशन किया गया है नाइट्रोजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर। देखिए वर्ड है, इसको क्लियर कर लीजिए। नाइट्रोजन का मतलब होता है नाइट्रोजन, क्या होता है आवर्त सारणी में आप लोगों ने पढ़ा होगा नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 है, ये एन से नोट करते हैं। नाइट्रोजन इसको बोला जाता है, हिंदी वर्ड है नाइट्रोजन, यही वर्ड अपने को यूज करना है। नाइट्रोजन की जगह नाइट्रोजन नहीं लिखना, क्या लिखना है नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रोजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है यानी एन नाइट्रोजन उपस्थित होता है उनको बोलते हैं नाइट्रोजन उपस्थित। क्या बोलते हैं उनको, नाइट्रोजन उपस्थित है। एक होते जिनमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है यानी एन अनुपस्थित है। एन क्या होता है नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है, दो भाग हो गए, नाइट्रोजन उपस्थित होता है नाइट्रोजन अनुपस्थित भाग होता है। कार्बनिक पदार्थ भी जिनमें नाइट्रोजन होता है, मोस्टली अगर बात करें तो इसमें भी अपने पास में नाइट्रोजन जिनमें उपस्थित होता है, कौन कौन से पदार्थ ऐसे हो सकते हैं जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं हो सकता है उनकी बात करें तो कार्बनिक पदार्थ हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से कौन कौन से पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं, कौन कौन से नहीं पाए जाते। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ है, विस्तार से अपन इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो छोटा पार्ट है अकार्बनिक पदार्थ, और अकार्बनिक पदार्थों में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर धातुएं जो होती हैं मोस्टली वो इसके अंदर आती हैं। कौन आती हैं, धातुएं। तो खनिज जो पदार्थ होते हैं वो यहाँ कहाँ पर आते हैं, अकार्बनिक पदार्थों के अंदर आते हैं। जैसे मोस्टली अपन बात करें सोडियम धातु होती है, पोटेशियम धातु है, कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा सल्फर है, पोटेशियम आपके पास में हो गया, फेरस है, मैग्नीज है, इत्यादि जो धातुएं होती हैं ये धातुएं किस में आती हैं, अकार्बनिक घटकों के अंदर आती हैं। ये तो मुख्य रूप से हैं। कार्बनिक जो घटक हैं वो दो हैं, नाइट्रोजन जिनके अंदर उपस्थित होता है। अब नाइट्रोजन जिनके अंदर उपस्थित होता है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अपने पास में है अमोनिया, कौन हो सकता है अमोनिया। अमोनिया जो होता है ये भी क्या होता है नाइट्रोजन, और अमोनिया का अपने को सूत्र पता है क्या होता है NH3, क्या होता है NH3, इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं, अमोनिया है। इसके अलावा यूरिया जो होता है, यूरिया इसके अंदर क्या पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया का सूत्र NH2CONH2, ये होता है किसका सूत्र है यूरिया का सूत्र होता है, इसके अंदर भी क्या है नाइट्रोजन इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये है कौन कौन से, नाइट्रेट है आपके पास में, कौन है नाइट्रेट होता है NO3, ये होता है अपने पास में NO3 नाइट्रेट, तो इसके अंदर भी क्या पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है। ये मुख्य रूप से किस में आते हैं, जिनमें नाइट्रोजन क्या होता है उपस्थित होता है उन पदार्थों के अंदर इसकी बातें करते हैं। जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, मुख्य रूप से अगर इनकी बात करें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है तो मुख्य रूप से जो पदार्थ आते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे अपने पास में है कार्बोहाइड्रेट, कौन होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनके अंदर मुख्य रूप से इनमें नाइट्रोजन नहीं होता, इनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से पाया जाता है।
वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन होता है, इनमें नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट के अलावा अपने पास में सेल्यूलोज कौन है, सेल्यूलोज जो होता है ये एक पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, इसका ग्लूकोज का, ग्लूकोज का ही एक भाग होता है, सेल्यूलोज है। हेमी सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज का एक भाग होता है, हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज। ये जो अपने पास में है ये सारे पदार्थ किसमें आते हैं, इसके अंदर आते हैं। नाइट्रोजन उपस्थित वालों में अगर और बात करें अपन, तो इसके अंदर जो प्रोटीन होती है ये भी इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो एमिनो अम्ल जो होते हैं, एमिनो अम्ल जो होते हैं ये भी किसमें आते हैं, कार्बनिक पदार्थों में जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है उसके अंदर, इसकी अपन बातें करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अपन ने यहाँ पर देख लिया कि नाइट्रोजन अगर उपस्थित है तो कौन से होंगे, और नाइट्रोजन अनुपस्थित है तो कौन से होंगे, कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज अपने को मिलेगा, वसा वगैरह होते हैं, वसीय जो पदार्थ होते हैं, वसा वसा होती है वो भी इसके अंदर आते हैं, वसा और वसीय जो पदार्थ होते हैं वो भी किसमें आते हैं, नाइट्रोजन अनुपस्थित वाले भाग के अंदर आते हैं। तो इनकी मोस्टली बातें किसमें करते हैं, इस वाले पार्ट में। अकार्बनिक में कौन से होते हैं, धातु में होती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, मैग्नीज इत्यादि धातुएं किसमें आती हैं, अकार्बनिक पदार्थों के अंदर आती हैं। अब अपने पास में आता है जो क्लासिफिकेशन अपन ने करने के बाद अपन यहाँ पर देखने वाले जो सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, ये वाला पदार्थ होता है कौन कौन सा और कितनी मात्रा में पाया जाता है, ये अपने को थोड़ा सा याद होना चाहिए कितनी क्वांटिटी कितनी मात्रा इसकी होती है। स्टार्च की अगर बात करें, स्टार्च जो होता है जो मुख्य रूप से प्लांट का भोजन होता है, 1-5% होता है, कितना होता है, 1-5% ये स्टार्च पाया जाता है। सेल्यूलोज होता है ये 10-28% होता है, लगभग सेल्यूलोज की मात्रा अपन देखें 10-28% तक सेल्यूलोज पाया जाता है। और अगर अपन बात करें हेमी सेल्यूलोज की, अगर बात करें ये देख रहा है आप सबसे अधिक कौन पाया जा रहा है, हेमी सेल्यूलोज पाया जा रहा है, 20-50% तक इसकी क्वांटिटी होती है इसकी हेमी सेल्यूलोज की। वसा होती है ये भी कितना होता है भाई, 1-8% कौन होता है, 1-8% लगभग, ज्यादा मात्रा नहीं होती, वसा काफी कम पाई जाती है। लिग्निन जो होता है ये भी 10-30% होता है। और अगर वास्तविक रूप से बात करें तो सबसे कठोर पदार्थों में भी कौन आ रहा है, लिग्निन ही यहाँ पर आता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन होता है वो 1-15% के लगभग होता है। तो रियल में अपन ने यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स, कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो कितनी मात्रा के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं, ये वाला अपन ने यहाँ पर इसके अंदर क्लियर किया है। नॉर्मली अपना जो आज का जो पॉइंट था वो था जीवांश पदार्थ का संगठन में क्या क्या होता है, दो भागों में डिवाइड करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक घटक जो अपने पास में है वो इसके अंदर आते हैं। कार्बनिक में कौन कौन से होते हैं, किसके आधार पर डिवाइडेशन करते हैं, नाइट्रोजन उपस्थित होता है या नहीं होता है ये बिंदु मुख्य आधार होता है। अगर नाइट्रोजन उनके अंदर है तब तो नाइट्रोजन उपस्थित वाले, नहीं है तो नाइट्रोजन अनुपस्थित वाले कहलाएंगे। नाइट्रोजन उपस्थित है तो कौन कौन से हो सकते हैं, अमोनिया हो सकती है नाइट्रोजन, यूरिया हो सकता है, नाइट्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, एमाइड हो सकते हैं, एमिनोमल हो सकते हैं, ये किसमें आते हैं, नाइट्रोजन उपस्थित वाले के अंदर आते हैं। और जिनमें नाइट्रोजन अनुपस्थित होती है वो कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज वगैरह जो होते हैं वो किसमें आते हैं, जिनमें नाइट्रोजन अनुपस्थित होती है। दूसरा जो पार्ट अपने पास में कौन सा है, अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनकी अगर बात करें तो अकार्बनिक में कौन से है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, ये जो धातुएं वगैरह अपने पास में होती हैं ये सारी किस्में आती हैं अकार्बनिक पदार्थों के अंदर है, इसमें बातें करते हैं। ओके, और लास्ट वाला जो अपने पास में पार्ट है, मुख्य रूप से कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उनकी कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, कितना परसेंट पाए जाते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट, कौन कितना परसेंट पाया जाता है ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टार्च कितना परसेंट है, सेल्यूलोज कितना है, हेमी सेल्यूलोज, वसा, लिग्निन और प्रोटीन्स जो मुख्य घटक होते हैं वो कितने पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल आज के वाले पार्ट में अपन इनके बारे में बातें की, विस्तार से अपने अगले वाले पार्ट में इसको पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है अपने पास में, ये कार्बोहाइड्रेट ये टूटने के बाद किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, टूटता है तो कैसे टूटता है, उसकी बातें अपन नेक्स्ट वाली क्लास में करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।